नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जियाडी और स्वागत करता हूँ आप सबका एक नए फ्रेश वीडियो में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हीरो की सुपर स्प्लेंडर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सुपर स्प्लेंडर जो कि एक ऐसी बाइक है जो कि 125 सीसी की बाइक के कंपटीशन में अपनी एक अलग ही जगह बनाकर रखती है। बात करें अगर रूरल एरियाज जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहाँ पर ज़्यादातर युवाओं में इस बाइक ने चढ़ बढ़ के अपनी जगह बना रखी है। अगर 125 सीसी बाइक के सेगमेंट्स की बाइक की बात करें तो होंडा की साइन एसपी हो गई, सीबी साइन हो गई, यमहा की सल्यूटो हो गई, हीरो की ग्लैमर हो गई, टीवीएस की फिनॉक्स हो गई और बजाज की डिस्कवर 125 हो गई। यानी 125 सीसी सेगमेंट में बहुत सी बेहतरीन बेहतरीन बाइक आपको मार्केट में देखने को मिल जाएंगी। उन सब बाइकों के बीच में अपनी एक खास जगह बनाने वाली ये सुपर स्प्लेंडर का ओल्ड वेरिएंट है जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। यानी इसमें आपको मिलता है हॉरिजॉन्टल इंजन, यानी कि आपको लेटा हुआ इंजन देखने को मिलेगा। इसके दो वेरियंट आते हैं जैसा कि आपको पता होगा, जो इसका जो नया वेरियंट आता है न्यू सुपर स्प्लेंडर के नाम से, उसमें आपको वर्टिकल इंजन मिलता है यानी खड़ा इंजन देखने को मिलता है, और ये ओल्ड वेरियंट है। तो वीडियो बनाने का पर्पज सिर्फ इतना है कि मैंने जो नया वेरिएंट है उसकी भी वीडियो मैंने बनाई है, आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो बहुत सारे दोस्तों ने बोला कि नहीं, उनको ओल्ड वाली ज़्यादा पसंद है क्योंकि उनको लेटे हुए इंजन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, और जो वर्टिकल इंजन है जो नए सुपर स्प्लेंडर में है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स उनको लग रही हैं। तो अगर ऐसी कोई बात है तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए, क्योंकि हमें भी जानना है कि आखिर वो क्या प्रॉब्लम्स आती हैं निकल के। तो आज हम इस बाइक के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आपको बताएंगे क्या क्या अपडेट्स हैं इसमें नए। वैसे अपडेट तो कुछ भी नहीं है। हाँ, ये बोला गया है कि बहुत जल्दी इसमें IBS आने वाला है अब नया अपडेट में, तो वो बाइक जैसे एजेंसी में विजिट करेगी हम आपके लिए वीडियो लेके आ जाएंगे। तो ये आप इसका मीटर कंसोल देख पा रहे होंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। साइड स्टैंड इंडिकेटर जो कि एडिशनल चीज़ हीरो की सारी बाइक्स में आपको मीटर कंसोल में देखने को मिलता है, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी बेहतर होता है नो डाउट। और हैंडल बार में कोई चेंजिंग नहीं आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे पासिंग स्विच, लो बीम, हाई बीम, साइड इंडिकेटर स्विच, नीचे आपको हॉर्न देखने को मिलेगा। अगर हम राइट हैंडल बार पे आते हैं तो दो स्विच आपको मिलते हैं, जिसमें एक I3S को ऑन ऑफ करने वाला स्विच होता है और दूसरा होता है इसका पावर स्टार्ट वाला स्विच। तो ये चीज़ें हो गई, और हम पहले तो दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे यहाँ पे महिंद्रा ऑटो मोबाइल्स का, जिनकी वजह से हमको फुटेज मिल पा रहा है और हम आप तक पहुँचा पा रहे हैं। तो आप ये सवाल हमारा आप सबसे है दोस्तों कि अगर आपके पास या तो नई वाली है या पुरानी वाली जो भी सुपर स्प्लेंडर आपके पास है, आप हमसे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपका उसके साथ क्या एक्सपीरियंस है और आप क्या ओपिनियन रखते हैं इन दोनों सुपर स्प्लेंडर को लेके, नई और पुरानी दोनों। ये देखिए इसका इंजन जो कि आपको हॉरिजॉन्टल दिख रहा होगा, यानी कि लेटा हुआ इंजन है। स्पेक्स की बात करें इंजन की, तो यहाँ पे 4-स्ट्रोक एयर कूल्ड इंजन है, जिसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 124.7 सीसी का इंजन, जिसकी जो मैक्स पावर है वो है 9 BHP की पावर 7000 RPM पे, और जिसका मैक्स टॉर्क है वो है 10.35 न्यूटन मीटर का टॉर्क, वो भी 4000 RPM पे। तो ये इसके इंजन के स्पेक्स की बात हो गई। अगर इस गियर ट्रांसमिशन की बात करें, इसमें 4-स्पीड ट्रांसमिशन आपको देखने को मिलेगा। ग्राफिक्स में थोड़े बहुत चेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। और रियर फुटरेस्ट की बात करें तो आप देख ही पा रहे हो कि मिडल रेंज की जितनी भी बाइक्स आती हैं उसमें रियर फुटरेस्ट खासकर लेडी पिलियन के लिए बहुत नेसेसरी होता है, जो कि ज़्यादातर बाइक्स में प्रोवाइड किया जाता है, वो इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। एक चीज़ को गौर कर लीजिएगा, इसमें आपको ट्यूबलेस टायर नहीं मिलेगा। अगर आप इसका न्यू वेरिएंट लेते हैं यानी न्यू सुपर स्प्लेंडर लेते हैं तो उसमें आपको ट्यूबलेस टायर प्रोवाइड किया जाता है, प्लस उसमें आपको IBS टेक्नोलॉजी जो कि आ चुकी है मार्केट में, इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम वो आ चुका है इस समय हीरो की तरफ से, वो आपको उसमें प्रोवाइड किया जाता है। उसकी वीडियो मैंने बनाई है, आप चेक कर लीजिएगा एक बार। एग्जॉस्ट की बात करें तो आप एग्जॉस्ट देख पा रहे होंगे, एग्जॉस्ट के ऊपर आपको स्टील कवरिंग करी गई है पैर बर्निंग से बचाने के लिए। बात करें अगर रियर ब्रेक और फ्रंट ब्रेक की, तो यहाँ पर रियर जो इसका ब्रेक है वो आपको 130 mm और जो इसका फ्रंट ब्रेक है वो भी आपको 130 mm का ड्रम देखने को मिलेगा। इसमें डिस्क का सपोर्ट नहीं रहता है, इस चीज़ का गौर कर लीजिएगा। डायमेंशन की बात कर लें अगर इस ओवरऑल बाइक की, तो इसका जो ओवरऑल बाइक का लेंथ है वो आपको मिलने वाला है 1995 mm का, जो इसकी हाइट है वो आपको मिलने वाली 1095 mm की, और जिसका ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाला है वो मेरे हिसाब से थोड़ा कम लगता है, वो है 150 mm का, और जिसका वेट है इस बाइक का वो है 121 kg का। अगर हम थोड़े से अगर डिसएडवांटेज की बात करें इस बाइक में, तो मतलब कि थोड़ा सा अपडेट इसमें देना चाहिए उनको। पहली बात मीटर कंसोल को लेकर गौर करिएगा कि इसमें आपको फुली एनालॉग मीटर कंसोल देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से अगर थोड़ा सा अगर डिजिटल मीटर कंसोल की इसमें मिक्सिंग कर दी जाए, जिसे हम सेमी डिजिटल कह सकते हैं या फिर
एनालॉग प्लस डिजिटल कह सकते हैं, जैसा कि इनकी ग्लैमर की बाइक में आता है, वो भी हीरो की ही ग्लैमर है, उसमें आपको डिजिटल प्लस एनालॉग मीटर कंसोल देखने को मिलता है। अगर वो थोड़ी सी चेंजिंग आ जाती तो मे बी कि थोड़ा और अच्छा लगता। और दूसरी बात करें डिस्क की, तो इसमें आपको डिस्क का सपोर्ट नहीं मिलता है, तो मेरे हिसाब से अगर डिस्क का इसमें अगर अपडेट कर दिया जाए तो मे बी कि ज़्यादा बेहतर होगा। और सीटिंग कम्फर्ट की बात करें तो नो डाउट हमेशा की तरह इसमें सीटिंग कम्फर्ट मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीटिंग कम्फर्ट इसकी बहुत अच्छी है। और सीटिंग कंफर्ट से मुझे याद आया, मैं इसके सस्पेंशन की बात कर लूँ तो जिसका फ्रंट सस्पेंशन है वो आपको मिलने वाला है टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्वर के साथ, और जिसका रियर सस्पेंशन वो आपको मिलने वाला है रेक्टेंगल स्विंग आर्म विथ 5-स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्वर। यानी कि आपको जो सस्पेंस क्वालिटी मिलेगी वो ठीक ठाक मिलेगी, अब तक कोई ऐसी शिकायत नहीं आती है कि सुपर स्प्लेंडर में सस्पेंस क्वालिटी या फिर सीटिंग कंफर्ट अच्छा नहीं है। सीटिंग कंफर्ट के मामले में ये बाइक हमेशा से अच्छी रही है, नो डाउट। और कुछ डिसएडवांटेज हैं जो मैंने आपको बताए, और भी हैं अगर खोजा जाए, क्योंकि आपको पता ही है कोई भी बाइक पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होती है। तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए था जिन्होंने कमेंट करके इस चीज़ को बोला था कि उन्हें ओल्ड वाले में ज़्यादा इंटरेस्ट है, ओल्ड वाले की वीडियो बनाई जाए, तो वो मैंने आपको बता दिया। और जैसे इसका नया अपडेट आएगा वैसे ही हम आपको जो है इसका नया अपडेट, पुरानी वाली का ही जो नया अपडेट होगा वो हम आपकी वीडियो तैयार करके आपको आप तक पहुंचा देंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और बेल आइकन दबा के रखिएगा ताकि आप फ्यूचर में अपडेट रहें, कोई भी वीडियो मैं डालूं आप तक पहुंच जाए। तो ये ओवरऑल एक जो इस बाइक के बारे में स्पेक्स थे, इसके फीचर्स थे, सारी चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी। बात इसके प्राइस की कर लेते हैं, तो इसकी जो प्राइस है वो है 58,180 रुपीज़ एक्स शोरूम प्रयागराज इलाहाबाद, ये यहाँ की प्राइस है, प्रयागराज की प्राइस है। और आपके एजेंसी रीजन के हिसाब से प्राइस चेंज हो सकती है। अगर आपको ऑन रोड प्राइस पता करना है तो जो एजेंसी का नंबर स्टार्टिंग में वीडियो को दे रखे हैं हमने, उस पर आप डायरेक्टली कॉल कीजिए और उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, नो डाउट। तो हमें उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में कुछ नए फ्रेश अपडेट के साथ। तब तक मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।